नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फोनिश। बिहार बोर्ड के 10th का रिजल्ट आउट होने के एक दिन बाद अब बिहार बोर्ड ने यह ऐलान कर दिया है कि कॉपियों की स्क्रूटनी की जाएगी। जी हां, आप 29 मई से 12 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ताकि अगर आपको लगता है कि आपने जो अंक पाया है वो कम है, अगर आप उसे संतोषजनक नहीं मानते हैं, तो आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं बिहार बोर्ड की वेबसाइट पर। अब ये ऐलान कर दिया गया है कि कल से कॉपियों की स्क्रूटनी के लिए आवेदन लिया जाएगा। परीक्षार्थियों को आवेदन करने के लिए प्रति विषय ₹70 शुल्क जमा करना होगा। बोर्ड ने स्क्रूटनी शुल्क के भुगतान के लिए माध्यम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग को रखा है। आप इसके माध्यम से शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। बिहार में मंगलवार को ही मैट्रिक का परिणाम जारी हो गया, जिसमें से 80% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। माना यह भी जा रहा है कि पासिंग प्रतिशत बेहतर है और लगभग 4 लाख ऐसे परीक्षार्थी हैं जो प्रथम श्रेणी से पास हुए हैं, जबकि टॉप 10 में 41 परीक्षार्थियों ने जगह बनाई है। ऐसे में रिजल्ट से महज 20% छात्र ही असंतुष्ट हैं, लेकिन जो भी संतुष्ट नहीं है वो अब जाकर अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रूटनी के लिए बिहार बोर्ड के वैसे छात्र भी आवेदन कर पाएंगे जो प्रथम या द्वितीय श्रेणी से पास हुए हैं और किसी भी विषय में कम नंबर मिलने से असंतुष्ट हैं, तो वे भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की स्क्रूटनी के बाद रिजल्ट भी जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के पहले सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। अब आपको अप्लाई कैसे करना है ये आपको बताते हैं। दरअसल आप इसके वेबसाइट पर biharboardonline.bihargovernment.in पर जाइए। यहाँ पर जाकर स्क्रूटनी वाले लिंक पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको रोल कोड, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करने हैं। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा जहाँ पर स्क्रूटनी फॉर्म आएगा। आपको वहाँ पर वो फॉर्म भर देना है और जिस भी विषय में आपको अप्लाई करना है वो विषय चुन लीजिए और फीस का भुगतान कर दीजिए और इसका प्रिंट आउट जरूर निकाल लीजिए। ध्यान रखिएगा, प्रिंट आउट निकालना बेहद जरूरी है, उसका एक कॉपी आपके पास जरूर होना चाहिए। तो जो भी ऐसे छात्र हैं जो ऐसे असंतुष्ट हैं, वो कल से यानी कि 29 मई से अप्लाई कर सकते हैं। 12 जून तक, याद रखिए 12 जून तक ही लास्ट डेट है, इस बीच ही आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपको कम मार्क्स है तो जाइए फौरन वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कीजिए। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फोर नेशन। नमस्कार।